हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं सितंबर मंथ का सारे करंट फैक्ट्स के बारे, जो कि आने वाले जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, रेलवे एसएससी, रेलवे का जो ग्रुप डी है, आरपीएफ, एसएससी, सारे एग्जाम में आपका कॉमन मिलेगा। रिलेटेड है सारे अपॉइंटमेंट, एग्रीमेंट, डिफेंस और ऑबिचुअरी अवार्ड, नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। देखिए, सबसे पहले जो जो अपॉइंटमेंट हुआ है, आप देखिए उसमें, देखिए सबसे पहले सितंबर मंथ में जितना अपॉइंटमेंट है हम आपको बताएंगे। इसमें इंडियन बैंक्स का जो चेयरमैन सिलेक्ट हुआ है वो है सुनील मेहता, और चेयरमैन एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है आर मधवान, और सेक्रेटरी इन स्टील मिनिस्ट्री विनय कुमार, सेक्रेटरी इन स्टील मिनिस्ट्री विनय कुमार। और यहाँ पे एक फैक्ट बता दे रहे हैं, स्टील का मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, चौधरी बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक चेयरमैनशिप में जो अभी नियुक्त हुआ है वो है श्रीलंकन प्रेसिडेंट। श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मैत्रीपाला सिरिसेना जो है श्रीलंका का प्रेसिडेंट, अभी बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप में अभी इलेक्टेड हुए हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर एंड टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इनका चेयरमैन याद रखिएगा श्रीलंकन प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अजरबैजान कौन है, आर भनलाल भावना। तो ये सारे अपॉइंटमेंट हुए। नेक्स्ट और कुछ अपॉइंटमेंट है, अभी हम लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, दीपक मिश्रा, अभी उनके जगह रिप्लेस हुआ है। नेक्स्ट कौन है, जस्टिस रंजन गोगोई, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी जो इलेक्टेड हुए हैं वो है अरुप कुमार गोस्वामी। देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है, इसमें एक मार्क्स सबका आएगा। जैसे नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किर्गिस्तान, अभी इससे पहले हम आपको अजरबैजान का बताया, अभी देखिए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किर्गिस्तान अलग अमिताभ दिमड़ी। और रीजनल डायरेक्टर ऑफ कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन है, पूनम क्षेत्रपाल सिंह। जैसे जैसे हम बताए जा रहे हैं ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका याद रख, मतलब इतना जल्दी आप नहीं देख पा रहे। तो नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, आरिफ अलवी। पहले कौन थे, ममनून हुसैन की जगह कौन अभी आए, आरिफ अलवी। ठीक है, तो याद रखिए ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आरिफ अलवी हैज बीन इलेक्टेड एज पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। पीएम ऑफ कंबोडिया का पीएम कौन इलेक्टेड हुए हैं, हुन सेन पीएम ऑफ कंबोडिया। नेक्स्ट है पाकिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाईकोर्ट कौन है, तहिरा सफदर। चेयरमैन ऑफ इंडिया जूट मिल्स एसोसिएशन का चेयरमैन इलेक्टेड हुए हैं मनीष पोद्दार। कहाँ के चेयरमैन है, इंडिया जूट मिल्स एसोसिएशन। ये सारे अपॉइंटमेंट याद रख लीजिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, देखिए यहाँ पे तीन को एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। इंडिया गवर्नमेंट एक एडीबी बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें $346 मिलियन लोन एग्रीमेंट,
ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एडीबी बैंक का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है 346 मिलियन डॉलर का, क्योंकि टू इम्प्रूव स्टेट हाईवेज इन कर्नाटका, कर्नाटका का स्टेट हाईवे का इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी बैंक के बीच में लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल, इंडिया नेपाल के बीच में एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, क्योंकि टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक रेलवे कनेक्टिंग रेलवे कनेक्शन बनाने के लिए बिहार का रॉक्सल सिटी और काठमांडू के बीच में, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में बना है, एमओयू साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि बिहार का रॉक्सल सिटी और काठमांडू के बीच में रेलवे कनेक्टिंग बनाने के लिए। और इंडिया और साइप्रस, साइप्रस कंट्री और इंडिया के बीच में दो एग्रीमेंट साइन हुआ है। कौन 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 फील्ड में, देखिए इन द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट, इन द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट अभी सितंबर का फर्स्ट वीक हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस, डिफेंस में जो जो आया हुआ है इसमें सारे एक्सरसाइज सब इम्पोर्टेंट है, जितना एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, ये सब देख लीजिए। इंडियन नेवल शिप सह्याद्री हैज बीन रीच्ड डार्विन ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सरसाइज ककरू 2018, ककरू 2018 में इंडियन नेवल शिप जो है वो कहाँ पहुंचे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का डार्विन में, ठीक है। नेक्स्ट है रशिया चाइना सेट टू लॉन्च ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, रशिया और चाइना मिलके एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, और एक ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज और एक हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, उनका नाम है काजिंद, काजिंद, देखिए इंडिया से इंद और कजाकिस्तान से कज, तो काजिंद, ये याद रखने का, याद रखिएगा अच्छे से, इजी है। ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज काजिंद इंडियन एंड कजाकिस्तान कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड कजाकिस्तान आर्मी, ठीक है। और क्या है, बांग्लादेशी नेवल शिप समुद्र जॉय अराइव्ड इन विशाखापट्टनम ऑन ए गुडविल विजिट, ठीक है, कहाँ का नेवल शिप पहुंचे हुए हैं विशाखापट्टनम में, बांग्लादेशी नेवल शिप समुद्र जॉय, समुद्र जॉय। नेक्स्ट है ऑबिचुअरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑबिचुअरी से क्वेश्चन आता ही है। देखिए फॉर्मर महाराष्ट्र फुटबॉल प्लेयर अर्थुर पेरेरा हैज पास्ड अवे, अर्थुर पेरेरा फॉर्मर महाराष्ट्र फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे अर्थुर पेरेरा रिलेटेड है, क्या है, प्लेयर है या पॉलिटिशियन है या जर्नलिस्ट है, ऐसे करके दिया जाएगा, तो अच्छे से देखिए, ये है फुटबॉल प्लेयर अर्थुर पेरेरा हैज पास्ड अवे। अब देखिए हरियाणा मिनिस्टर, फॉर्मर हरियाणा मिनिस्टर है जय सिंह राणा, उनका भी निधन हो चुका है, ये पॉलिटिक्स रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए नोटेड गुजराती ऑथर जर्नलिस्ट एंड पोएट भगवती कुमार शर्मा, भगवती कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे, तो ये क्या है, जर्नलिस्ट पोएट एंड ऑथर। नेक्स्ट देखिए अवार्ड, अभी अवार्ड मिला है जो जो देखिए, प्रफुल्ल बिधवाई मेमोरियल अवार्ड, प्रफुल्ल बिधवाई मेमोरियल अवार्ड किनको मिला है, उल्का महाजन, उल्का महाजन को मिला है प्रफुल्ल बिधवाई मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट है बीके मिश्रा, बीके मिश्रा को क्या मिला है, बीके मिश्रा प्रेस्टिजियस डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2018 का डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड मिला है बीके मिश्रा को, जो कि एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर हुए हुए, एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, बीके मिश्रा। नेक्स्ट है यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, यूईएफए क्या है, यूनियन, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, इनको मिला है रियल मैड्रिड एंड लुका मॉड्रिक, इसमें लुका मॉड्रिक है
क्रोएटिया का स्टार है लुका मॉड्रिक, रियल मैड्रिड एंड लुका मॉड्रिक, इनको क्या मिला है, यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट सारे नेशनल फैक्ट देखिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी अप्रूव किए हैं मर्जर ऑफ आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का मर्जर हुआ है और अप्रूवल कौन किया है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हेल्ड मीटिंग, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का मीटिंग होगा, सेवेंथ मीटिंग हुआ है जो हेल्ड कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, न्यू दिल्ली में और क्या हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ है इन इंडियन रेलवेज, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, न्यू दिल्ली में। और देखिए एक एक्सरसाइज जो है, इंडिया अलोंग विद 23 अदर इंडियन ओशियन नेशन इज पार्टिसिपेटिंग इन ए मेजर सुनामी मॉक एक्सरसाइज IOWEV 18। कौन सा एक्सरसाइज, IOWEV 18, उसमें इंडिया और 23 अदर इंडियन ओशियन नेशन पार्टिसिपेट किए हुए। नेक्स्ट है TCS हैज बिकम द सेकेंड इंडियन कंपनी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेकेंड कौन है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सेकेंड में पहुंच गए हैं, जो क्रॉस कर चुके हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख क्रॉस कर चुके हैं। देखिए PMJDY क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये एक योजना था जो जानते सब कोई, तो ये टर्न इनटू एन ओपन एंडेड स्कीम में टर्न हुआ है, कैबिनेट अप्रूव कर दिए हैं, ये ओपन एंडेड स्कीम हो गए। ये ओपन एंडेड स्कीम हो गए मतलब इसमें क्या है, एक्चुअली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गए। इसमें क्या होता है, एन इन्वेस्टर्स विल जनरली परचेज शेयर इन द फंड डायरेक्टली फ्रॉम द फंड इटसेल्फ, मतलब जो उसका खुद का फंड रहेगा उसमें वो जनरली परचेज करेगा शेयर, एंड देन रादर देन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, ये है ओपन एंडेड स्कीम। तो इसमें और क्या है, विथ हायर इंश्योरेंस कवर एंड डबल द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड USA हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड USA, ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया एंड USA के बीच में 2+2 डायलॉग हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसके किसके बीच में हो रहा है, इंडिया एंड USA। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 34% इंडियंस आर नॉट एक्टिव इनफ। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग, हु के अकॉर्डिंग क्या है, 34% ऑफ इंडियंस आर नॉट एक्टिव इनफ। नेक्स्ट है, थर्ड ASEM एशियन यूरोप मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल एजिंग, इसके ऊपर ग्लोबल एजिंग के ऊपर एक एशियन यूरोप मीटिंग होगा, जो कि थर्ड है, थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूरोप मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल एजिंग, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, ग्लोबल एजिंग मीन्स ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन, ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, सियोल साउथ कोरिया का सियोल में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल फैक्ट देखिए। इसमें जर्मनी हैज डिसाइडेड टू एलोकेट 120 मिलियन यूरो लोन टू इंडिया। ठीक है, एलोकेट कर रहे, जर्मनी हैज डिसाइडेड टू एलोकेट 120 मिलियन यूरो लोन टू इंडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि टू स्ट्रेंथन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जर्मनी एलोकेट कर रहे 120 मिलियन यूरो लोन इंडिया को। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स ग्रीव फ्रॉम इंटरनेशनल
मतलब इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट आने मतलब आने का ये ग्रो अप हुआ है कितना 14.57 मिलियन इन 2016। 2016 में 14.57 मिलियन था, अभी नेक्स्ट 2017 में कितना हो गया 15.54 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 वाज हेल्ड इन काठमांडू। इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट कहाँ पे हो रहा है, काठमांडू में। ठीक है, 2018 इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 कहाँ हो रहा है, काठमांडू में। नेक्स्ट स्कीम देखिए, इसमें स्कीम क्या क्या लॉन्च हुआ है। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई इंट्रोड्यूस किए हैं। ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट, पीएम मोदी क्या लॉन्च किए हैं, आईपीपीबी। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पीएम मोदी क्या लॉन्च किए हैं, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑन 1 सितंबर 2018 का 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ है एट न्यू दिल्ली। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, गूगल हैज लॉन्च प्रोजेक्ट नवलेखा। गूगल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नवलेखा। और पीयूष गोयल हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल। एक वेब पोर्टल पीयूष गोयल लॉन्च किए हैं जिसका नाम है रेल सहयोग। रेल सहयोग। नेक्स्ट है इकोनॉमी, सारे इकोनॉमिक फैक्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जीडीपी रेट इंडिया का जीडीपी रेट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018-19 का। 2018-19 का फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा, 8.2%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएसओ कितना होगा जीडीपी रेट, 8.2%। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा मॉरिशियस रिमेन द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें टॉप सोर्स में कौन है, मॉरिशियस। ठीक है, इंडिया में 2017-18 में ये मॉरिशियस रिमेन द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जितना इनॉग्रेशन हुआ है देखिए, मनिका संजय गांधी अलोंग विद आदित्यनाथ योगी इनॉग्रेट द विडोज होम कृष्णा कुटीर। क्या विडोज होम का नाम क्या है, कृष्णा कुटीर। कहाँ पे हुआ है, वृंदावन में। ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट कौन किया है, मनिका संजय गांधी जो कि चाइल्ड एंड वुमेन पावर डेवलपमेंट का मिनिस्टर है एंड आदित्यनाथ योगी यूपी का सीएम है। मनिका संजय गांधी एलोंग विद आदित्यनाथ योगी इनोग्रेट द विडोज होम। विडोज होम का नाम है कृष्णा कुटीर एट वृंदावन। नेक्स्ट है पीएम मोदी एंड नेपाल पीएम केपी ओली। केपी शर्मा ओली एंड पीएम मोदी मिल के ज्वाइंटली इनोग्रेटेड। दोनों मिल के क्या इनोग्रेट किए, पशुपतिनाथ धर्मशाला। पशुपतिनाथ धर्मशाला इनोग्रेट किए हैं कहाँ पे, काठमांडू में। नेक्स्ट है श्रीपद येसो नायक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। श्रीपद येसो नायक हैज इनोग्रेटेड द 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस एट द नेदरलैंड। नेदरलैंड में 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस को इनोग्रेट किए हैं श्रीपद येसो नायक। नेक्स्ट है श्रीलंकन पीएम। श्रीलंका का पीएम कौन है, रनिल विक्रमसिंघे इनोग्रेटेड था 8th एडिशन ऑफ कोलंबो डिफेंस सेमिनार। ठीक है, कितना नंबर सेमिनार है ये, 8th कोलंबो डिफेंस सेमिनार। 8th कोलंबो डिफेंस सेमिनार इनोग्रेट किए हैं कौन, श्रीलंकन पीएम रनिल विक्रमसिंघे। अब देखिए सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड, इसमें तो सितंबर में सारे फैक्ट एशियन गेम्स रिलेटेड है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ बताया है। इंडियन हॉकी टीम हैज ओन सिल्वर मेडल इन 2018 एशियन गेम्स। हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम को क्या मिला है, सिल्वर मिला है।
ठीक है, इंडियन हॉकी टीम को सिल्वर मिला है 2018 एशियन गेम्स में। और क्या है, स्क्वाश टीम जो है, इंडियन स्क्वाश टीम जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2018 एशियन गेम्स। फिर हर्षिता तोमर ओन ब्रॉन्ज इन ओपन लेजर 4.7 एट द 18 एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मिला है हर्षिता तोमर को, किसमें, ओपन लेजर 4.7 में। और देखिए इसमें एक फैक्ट है, 49 ईयर एफेक्ट मेंस इवेंट, इसमें मेंस इवेंट में वरुण थक्कर, औसफ एंड चेंगप्पा गणपति केलपंडा को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला है, सिल्वर मिला है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा 49 ईयर एफेक्स को मेन को मिला है सिल्वर ब्रॉन्ज एंड वुमेन को मिला है सिल्वर। इसमें वुमेन का नाम है वर्षा गौतम एंड श्वेता सेवेगर। नेक्स्ट देखिए बॉक्सिंग में, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग में गोल्ड मिला है सक्सी चौधरी को मिला है गोल्ड इन वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग, जो कि कहाँ हुआ है, बुदापेस्ट में हुआ है। ठीक है, बुदापेस्ट में हुआ है वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग में, सक्सी चौधरी को मिला है गोल्ड। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें फर्स्ट फीमेल एथलीट है ये रिकाको आइकी जो है जापानी स्विमर, रिकाको आइकी जापानी स्विमर है जो फर्स्ट फीमेल एथलीट है। इनका नाम, और हम एक नाम से जानते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2018 का एशियन गेम्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जापानी स्विमर रिकाको आइकी, जो कि फर्स्ट फीमेल एथलीट। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रोअर है जो इंडिया का फ्लैग बियरर है। ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था उसमें फ्लैग बियरर कौन कहते थे, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। और क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियरर कौन थे, इंडिया वुमेन हॉकी टीम, हॉकी कैप्टन, हॉकी टीम का जो कैप्टन है रानी रामपाल, वो फ्लैग बियरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये याद रखिए ओपनिंग सेरेमनी का है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एंड क्लोजिंग सेरेमनी का हॉकी कैप्टन जो है, हॉकी हॉकी टीम का, वुमेन हॉकी टीम का कैप्टन है। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी का वुमेन हॉकी टीम का कैप्टन है रानी रामपल। नेक्स्ट है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ऑन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मिला है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है ये देखिए, अभी जो 2018 एशियन गेम्स हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हेल्ड इन जकार्ता एंड पलेमबांग ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हो रहा है, कहाँ पे, इंडोनेशिया का जकार्ता और पलेमबांग में। ये 2018 एशियन गेम्स ये कितना नंबर है, 18th है। और इससे पहले 2014 में जो हुआ है नेशनल एशियन गेम्स, इसे 2014 में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, इंचियन साउथ कोरिया में हुआ है। और नेक्स्ट जो होगा 2022 एशियन गेम्स कहाँ पे होगा, हंगजो चाइना का हंगजो सिटी में होगा। और 2026 एशियन गेम्स कहाँ पे होगा, नागोया जापान, जापान में होगा। ठीक है, अभी जो हुआ वो है इंडोनेशिया में, और इससे पहले जो हुआ था साउथ कोरिया, नेक्स्ट होगा चाइना एंड 26 20th वाला गेम होगा जापान में। और एशियन गेम्स का सारे फैक्ट और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।